बाद में देखो तरंग गति ठीक ना वेव मोशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 13 है। वेव मोशन में हम सारे डिस्कस करेंगे जितने टाइप्स के वेव्स हैं, प्रगामी अप्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है वो सारे करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे तरंगों का अध्यारोपण डिस्कस करेंगे कि तरंगे जब एक दूसरे से सुपरइम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है वो सारी चीजें हम इसी एक ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है लेकिन जब पढ़ेंगे एक ही चैप्टर्स के अंदर, ठीक है इसको तरंग गति वेव मोशन ठीक ना, इसमें हम पढ़ना किसके बारे में वेव्स के बारे में, ठीक। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं किसकी तरंगों की, किसकी बात करते हैं तरंगों की, वेव्स के बारे में बात करते हैं, क्या तो वेव्स बेसिकली होता क्या है। जैसे हमने कभी देखा है कि जैसे एक मान लो एक ये हमारे पास एक रस्सी है ठीक ना, एक रस्सी के एक सिरे को हम किसी एक दीवार के साथ किसी चीज के साथ बांध देते हैं ठीक ना, और इस दीवार रस्सी के दूसरे सिरे को यहां से हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं इसको हिलाते हैं, इस तरीके से जैसे हिलाते हैं तो हमें देखते हैं कि ये जो रस्सी है वो स्ट्रेट ना होके कुछ इस तरीके का शेप धारण कर लेती है उसी जगह से, ठीक ना कुछ इस तरीके का शेप बन जाता है ना, बनता है ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि इस रस्सी में कुछ चीज आगे की तरफ ट्रेवल करता है, या जैसे मान लो एक तालाब है, तालाब में पानी जो है शांत है एकदम रुका हुआ है, शांत रुका हुआ है ठीक ना, और उस पानी में हम क्या करते हैं एक पत्थर फेंक देते हैं ठीक ना, तो हम देखते हैं पानी जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करता रहता है इस तरीके से ठीक ना, और आगे की तरफ बढ़ता रहता है, देखा है आपने। तो वो चीज क्या ट्रेवल करता है यहाँ पे, ये जो चीज ट्रेवल करना है कुछ चीज तो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो क्या चीज ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे। ये हमने कभी देखा है जैसे अगर तुम खेतों वगैरह में चले जाओ, धान लगी होती है, गेहूं लगा होता है, जब हवाएं चलती है तो उसके टॉप लेयर को देखना कभी, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से वो मूव करती है इस तरीके से, तो वहां पे क्या चीज चलती है, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मूव कर रहा होगा ना। अगर हम बात करें कि क्या इसमें पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ का एक पार्टिकल है कि ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर जा रहा है, नहीं कर जा रहा है। या जैसे तुमने अगर एक्सपेरिमेंटली अगर तुमने देखा होगा पानी के तालाब में, तालाब के पानी में जब उसमें पत्थर फेंकते हो उसके ऊपर कोई भी एक चीज रखते हो ना जो हल्की उसके ऊपर तैरती हो, जब पानी के ऊपर चिना अगर पानी के ऊपर कोई भी एक ऐसी हल्की चीज रखते हो जो उसके ऊपर तैरे, शांत पानी है उसमें पत्थर फेंकते हो तो हम देखते हैं कि उसमें जब लहरें उठती है, उसमें लहरें उठती है तो हम देखते हैं कि जो उसके ऊपर जो हमने चीज तैरा रखा था वो आगे की तरफ ट्रेवल नहीं करता, वो अपनी ही पोजीशन में क्या करता है अप डाउन होता रहता है, क्या आगे की तरफ बढ़ता है वो ना, इसका मतलब उस मीडियम में जो पार्टिकल है वो भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, वो ऑनली क्या है ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है, वो टू एंड फ्रू मोशन कर रहा है। यहां पे भी अगर इस रस्सी की अगर बात करेंगे तो इस रस्सी का एक एक पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ के आगे नहीं जाता है, जाता है क्या अपनी पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ ट्रेवल नहीं करता। जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपना पोजीशन तो छोड़ा है लेकिन गया कहां ऊपर गया, ठीक ना, यहां का पार्टिकल अपने पोजीशन छोड़ा लेकिन गया कहां वो नीचे गया, ठीक ना, यहां का पार्टिकल अपने पोजीशन पर ही है ये आगे की तरफ नहीं गया। तो हम अगर इस रस्सी की बात करेंगे, इस रस्सी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ नहीं जाएगा, अपनी ही पोजीशन जिसको मिन पोजीशन कहते हैं, इस मिन पोजीशन के अराउंड क्या करता है ये ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन करता है, वाइब्रेट करता है जिसको हम कहते हैं। तो पार्टिकल तो अपने मीन पोजीशन पे क्या करता है वाइब्रेट करता है, लेकिन उसके वाइब्रेशन के साथ साथ कुछ चीजें आगे की तरफ ट्रेवल करके जाता है जो हमें दिखता है, लेकिन वो चीज है क्या, क्या चीज जा रहा है बता सकते हो, या पानी का जो अणु है वो भी वाइब्रेट करता है वो आगे की तरफ नहीं जाता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो चीज क्या जाता है जिसको हम क्या कहते हैं तरंगे कहते हैं, लेकिन वो तरंगे है क्या बेसिकली। तो अगर यहां पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो तरंगे बेसिकली कुछ नहीं है, हमने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया था, हमने जो विक्षोभ उत्पन्न किया था जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब किया ना, पहले ये रस्सी सीधी थी ये अपनी पोजीशन में था कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लेकिन हमने इस एंड को पकड़ के इसको हमने क्या करा जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, जैसे हमने क्या करा इस पार्टिकल को जैसे डिस्टर्ब किया ऊपर और नीचे ले गए, तो वो जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया था वही डिस्टर्बेंस आगे की तरफ क्या हो रहा है।
तो बेसिकली तरंगों में क्या होता है कि जब हम किसी माध्यम में कोई भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वो डिस्टरबेंस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करता है। अब जब वो डिस्टरबेंस मूव करता है तो वो डिस्टरबेंस क्या करता है, उसके पाथ में जो जो पार्टिकल आता है उन सारे पार्टिकल को क्या कर देता है, वो वाइब्रेट कर देता है। और इसी विक्षोभ को क्या कहते हैं, बेसिकली वेव्स कहते हैं, इसे एनर्जी कह सकते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, वेव्स कहते हैं। अब जब कोई विक्षोभ ट्रेवल करता है आगे, कोई भी डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करता है, तो वो अपने साथ क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। क्या ले जाता है अपने साथ, एनर्जी ले जाता है। वो अपने साथ क्या ले जाता है, मोमेंटम ले जाता है, ठीक ना, संवेग। क्या ले जाता है, संवेग ले जाता है, क्योंकि हमें पता है इस रस्सी को यहां से डिस्टर्ब करेंगे तो ये जैसे आगे की तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पे जाके एक क्या फील होगा, उसको एक जर्क फील होगा, झटका फील होगा, जैसे हम इस रस्सी को तोड़ना थोड़ा सा झटका लगाते तो क्या टूट जाता है, कहीं अगर बंधा हो तो टूटता है, टूटे तो इसका मतलब क्या लगा, उसने जाके वहां पे एक जर्क लगा, मोमेंटम लगा। तो जब कोई भी वेव्स आगे अपने साथ ट्रैवल करता है तो अपने साथ एक एनर्जी कैरी करता है और दूसरी चीज क्या कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है। अरे वैसे में तो यहां पे वेव्स का मतलब है कि जब किसी माध्यम में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न की जाती है तो वो विक्षोभ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ठीक ना। और जब विक्षोभ ट्रैवल करता है तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ नहीं जाता, ओनली पार्टिकल क्या करता है, अपने मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करता है। ओनली पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो अपने पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ नहीं जाएगा। बस अपने में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था, खुद में जो डिस्टर्बेंस हुआ था, वो डिस्टर्बेंस आगे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। कैसे, देखो जैसे ये पार्टिकल्स है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये कुछ डिस्टेंसेस पर होंगे, होंगे नहीं होंगे, कुछ डिस्टेंस पर होंगे। जब कुछ डिस्टेंसेस पर होंगे तो जब हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करने का मतलब है इस पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाते हैं, हम यहां पे ले जाते हैं, तो देखो इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ी ना, बढ़ेगी डिस्टेंस, ये पार्टिकल अपने पोजीशन पे तो नहीं रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो जब इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये पार्टिकल कहां जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो इसकी वजह से ये भी पार्टिकल कहां जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इसके पास मोशन है तो इनर्शिया के कारण ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो वेव्स तुम्हारा इस तरीके से क्या करता है, प्रोपेगेट्स करता है, इस फॉर्म में दिखा देना, वेव्स ऐसे चलता है। तो यहां पे बेसिकली आता है एक पार्टिकल्स, ये पहले ऊपर गया था, ऊपर से कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ये वाला पार्टिकल्स यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल्स यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल्स ये पोजीशन अपने पोजीशन में, फिर ये वाला पार्टिकल नहीं, इस तरीके से लो, ये मेन पोजीशन ले लो, ऐसे लो, देखो ये वाला पार्टिकल कहां चला गया, ऊपर, ये वाला पार्टिकल यहां पे चला गया, ये वाला पार्टिकल यहां चला गया, ये वाला पार्टिकल ये अपने पोजीशन पर है, ये वाला पार्टिकल कहां चला गया, नीचे, ये नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब दो पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो हमने यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया था वो डिस्टरबेंस कहां ट्रैवल कर जाता है, आगे की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये भी उसको ऊपर खींचेगा, तो ये भी इसको ऊपर खींचेगा, ये भी इसको ऊपर खींचेगा, इसको भी ऊपर खींचेगा, तो इस तरीके से सारे पार्टिकल एक बार जाएंगे ऊपर, फिर जैसे इसको नीचे ले आएंगे तो फिर से ये क्या करेगा, सारे पार्टिकल को फिर से नीचे खींचेगा, तो इस तरीके से पार्टिकल एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा, तो इस तरीके से ये वेव्स जनरेट होगा। अरे बस में दूसरी चीज, यहां पे जब वेव्स वाइब्रेट, सॉरी वेव्स में जो पार्टिकल्स होती है, मीडियम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है तो सभी पार्टिकल्स की जो फेज है, कला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कला, कला का मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका पोजीशन और उसका लोकेशन अगर कोई बता रहा है, कला का मतलब क्या है कि किसी पार्टिकल, कला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टिकल की लोकेशन और उसके डायरेक्शन को बताता है। तो यहां पे जो भी पार्टिकल है, इस वेव्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इन सारे पार्टिकल की पोजीशन एंड फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, कला जो है क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमेशा सारे पार्टिकल एक ही पोजीशन पर नहीं मिलेगा, वो हमेशा कहां मिलेगा, अलग अलग पोजीशन में मिलेगा, सभी पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, सभी पार्टिकल का एक जैसा डिस्प्लेसमेंट
नहीं होगा। जैसे यहां का पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हुआ है, यहां वाला पार्टिकल्स इतना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है नहीं? कहां डिस्प्लेस हुआ? ये ऊपर पर। ये वाला पार्टिकल यहां पे जो पार्टिकल था वो कहां आएगा? नीचे। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? नीचे हुआ, लेकिन पोजीशन अलग है। तो इस वेव्स में जितने भी पार्टिकल्स है, इन सारे पार्टिकल्स का पोजीशन एंड डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग होंगे, ठीक है? तो इसीलिए जब भी वेव्स किसी मीडियम में प्रोपेगेट्स होता है, प्रोपेगेट होता है जब वो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तो उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स के जो कला है, फेज है, वो कभी भी समान नहीं होंगे, ठीक है? वो हमेशा क्या होंगे? अलग अलग फेज में होंगे, अलग अलग कला में होंगे, ठीक है? सारे पार्टिकल्स जब अलग अलग कला में होंगे, लेकिन वेव्स जब यहां पर ट्रेवल करेगा तो ये एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगा। जो यहाँ पे वेव्स की जो स्पीड होंगे वो हमेशा एक ही स्पीड से ट्रेवल करेगी। जैसे हमारा साउंड है, साउंड क्या है? वेव्स है, साउंड वेव्स है ना। साउंड जब प्रोपेगेट्स करता है तो ये क्या करता है? मीडियम्स में जो एयर पार्टिकल उसको क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जब एयर वाइब्रेट्स होता है इस तरीके से, कंप्रेस एंड रिफ्रैक्शन होता है, जब वो कंप्रेस एंड रिफ्रैक्शन होता रहता है तो साउंड को क्या करता है? या साउंड की वजह से जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस को क्या करता है? आगे प्रोपेगेट्स करता है। और उसी डिस्टर्बेंस में क्या होती है? एनर्जी होती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है, फिर कानों में एयर ड्रम को क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है और फिर जाके हम किसी चीज को सुन पाते हैं। समझे? तो अब देखो, ये तो क्या वेव्स की, वेव्स हमारा बेसिकली क्या है? डिस्टर्बेंस है, जो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था वही डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करना है। दूसरी चीज, वेव्स जब ट्रेवल करना है तो इसके मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा असमान या भिन्न भिन्न कला में होता है। दूसरी चीज, जब वेव से प्रोपेगेट होता है तो वेव को प्रोपेगेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। जैसे यहां पे इस धागे में जो हमने वेव जनरेट किया तो किसमें उत्पन्न हुआ? ये धागे में हुआ। धागा क्या हो गया? इसका माध्यम हो गया। तो अगर ये धागा ही ना हो तो क्या वेव जनरेट होगा? नहीं होगा। या जैसे हमारा वाटर वेव है, वाटर में जो लहर उत्पन्न होती है वो भी तो वेव से। क्या वाटर नहीं होगा तो क्या लहर उत्पन्न होगी? नहीं होगी। क्या मैं जब बोल रहा हूँ साउंड तुम तक पहुंच रहा है कि अगर यहाँ पे मीडियम नहीं हो, वैक्यूम हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? बोल तो सकता हूँ, लेकिन मेरा साउंड आवाज जो है ये साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो कोई भी मीडियम, कोई भी वेव्स है, ठीक है ना, तो उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। ऐसा बहुत समय पहले जब तक हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो भी एक वेव्स है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे जिनको प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो हमेशा जो पदार्थिक वेव है या हम कहते हैं मैकेनिक्स या मैकेनिकल वेव्स है, तो मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव ट्रेवल नहीं करेगा। अरे बस में देखो, टाइप्स ऑफ वेव्स के अगर बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो बेसिकली दो प्रकार की वेव है, दो प्रकार की नहीं, तीन प्रकार की वेव्स है। पहला है हमारा यांत्रिक वेव, यांत्रिक तरंगे, ठीक है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और तीसरा है, ठीक है, मैटर वेव, द्रव्य तरंगे, इंग्लिश में कहते हैं मैटर वेव्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वेव्स को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है यांत्रिक वेव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड द्रव्य तरंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल वेव्स, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ऐसा वेव्स जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो उस वेव्स को कहते हैं हम यांत्रिक तरंगे, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वह वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे इसका एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? हमारा साउंड, ध्वनि, ठीक ना, जल तरंगे आदि।
इन सबको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होती है ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम भी वो ट्रेवल कर सकता है। जैसे क्या हो गया, प्रकाश, लाइट। लाइट हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नीचे सन से हमें लाइट मिल रहा है। सन और अर्थ के बीच में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाओगे तो वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, कुछ नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी लाइट वहां से ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसके अलावा बहुत सारे अल्ट्रावायलेट है, यूवी अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, अवरक जिसको कहते हैं अवरक तरंगे, ठीक, और गामा रेज, ठीक ना, फिर एक्स किरणें, ठीक ना, नहीं अल्फा मेटर वेव, ठीक ना, अल्फा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो हमारे हीलियम पार्टिकल्स होता है, द्रव मैटर वेव है वो, ठीक है। तो ये सारे वेव्स जो है वो क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे और भी है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैटर वेव्स की, किसकी बात करते हैं, मैटर वेव्स की, ठीक ना। मैटर वेव्स वो तरंगे होती है, ठीक ना, जब कोई भी स्मॉल सा सूक्ष्म सा पार्टिकल जब किसी भी मीडियम में हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की, जब ये इलेक्ट्रॉन एक हाई स्पीड वेलोसिटी से अप्रोक्स, अगर मान लो लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल कर, मान लेते हैं, तो अगर वो लाइट की स्पीड या अप्रोक्स लाइट की स्पीड से अगर किसी भी माध्यम में वो ट्रेवल कर रहा है, तो ये अपने साथ साथ पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव नेचर को भी कैरी करता है। मतलब वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव नेचर को भी शो करता है। मतलब वेव्स की जो जो प्रॉपर्टीज है, वेव की जो जो फिनोमेना है, वो सारे फिनोमेना को ये शो करता है। तो ये बेसिकली पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना द्रव्यमान है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो इसलिए जब ये अपने साथ वेव नेचर को भी कैरी करेगा तो उस वेव्स को क्या कहेंगे हम, द्रव्य तरंगे। द्रव्य का मतलब पदार्थ, जैसे एक गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, और उसको बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं, मूव करेंगे, तो वो गेंद भी अपने साथ क्या करेगा, तरंगे कैरी करेगा, वो भी वेव्स कैरी करेगा, तो वो हमारे कौन से तरंगे हो जाएंगे, मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड, कंडीशन है स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अगर वो हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो अपने साथ वेव नेचर भी कैरी करता है, जिसको हम कहेंगे द्रव्य तरंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ओनली हम किस पे डिस्कस करेंगे, यांत्रिक तरंगों के बारे में डिस्कस करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे, ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट आया था मैक्सवेल ने दिया था, ठीक ना, मैक्सवेल ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंट्रोड्यूस किया सबके सामने। उससे पहले, मैक्सवेल से पहले हम ये समझते थे कि हमारे पास ओनली एक ही प्रकार के वेव्स है, वो यांत्रिक तरंगे। तो तब हम प्रकाश को भी, हमारा लाइट है, लाइट को भी हम क्या मानते थे, यांत्रिक तरंगे मानते थे, इसको भी हम मैकेनिकल वेव्स मानते थे। तो हम इसको जब स्टडी कर रहे थे, प्रकाश की जब स्टडी कर रहे थे, तो हमें ये पता था कि मैकेनिकल वेव है प्रकाश, तो प्रकाश को भी ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जब प्रकाश जब ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल करता है, तो लाइट भी जब ट्रेवल करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं था, तो तब साइंटिस्टों ने क्या करा, एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना करी थी, ईथर। साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में ईथर नाम का एक मीडियम है, और उसी मीडियम की वजह से लाइट जो है हमारा ट्रेवल कर पाता है। क्योंकि तब हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होता है, इसलिए हमें एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेना पड़ा कि ईथर भी होता है। लेकिन बाद में माइकलसन मोर ने, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर इसको एक सिरे से नकार दिया कि ऐसा पूरे यूनिवर्स में कहीं ईथर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैक्सवेल ने अपना इक्वेशन दिया, इक्वेशन के थ्रू उन्होंने फिर एक नए तरीके के वेव्स प्रोड्यूस किया सबके सामने, जिसको उन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि इसमें ओनली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को जनरेट करते हैं और एक दूसरे को टर्मिनेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमें कोई मीडियम नीचे, वो वैक्यूम में भी जनरेट हो सकता है, आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका जन्मदाता कौन है, मैक्सवेल है। इसके बाद अब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ साइंटिस्टों के बीच में लाइट को लेकर, जो लाइट है, लाइट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ
ठीक ना, क्योंकि मैक्सवेल ये हम पे क्या कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव्स है, राइट, वेव्स है, वेव नेचर को शो करता है। तो मैक्सवेल के साथ साथ एक और उनसे पहले एक साइंटिस्ट और आए थे, हाइगन्स। हाइगन्स ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगन्स ने क्या कहा, हाइगन्स ने भी ये कहा था कि लाइट जो है हमारा वेव्स है, मतलब ये वेव्स है हमारे पास। दो तीन साइंटिस्टों ने कहा कि प्रकाश वेव है, लेकिन वैसे ही कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे सबसे पहले न्यूटन। न्यूटन ने भी ऑप्टिक्स में बहुत काम किया। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कण है, ठीक है, पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। इसके बाद आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने भी कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। मतलब कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये वेव है और कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे ये पार्टिकल है, क्योंकि ये वेव के नेचर को भी दिखा रहा था, ये पार्टिकल नेचर को भी दिखा रहा था, दोनों नेचर को शो कर रहा था। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन विवर्तन, अपवर्तन परावर्तन पढ़ रखा तुमने, तो प्रकाश जब परावर्तन और अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को वेव नेचर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन, दोनों से उसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। इसके अलावा लाइट के और बात और सारे फिनोमेना है, और सारी घटनाएं जैसे विवर्तन है, ध्रुवण है, तुम्हारा व्यतिकरण है, तो इन सारी चीजों को हम पार्टिकल नेचर के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसको हमने वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया कि वेव्स अगर वहां पे वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं तो उनको इजीली हम क्या करते हैं एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे फिनोमेना भी हमने देखा, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते कर पाते थे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती थी। तो इसका मतलब क्या था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर को भी शो कर रहा था और वेव नेचर को भी शो कर रहा था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि हम इसको वेव माने या कण माने, पार्टिकल माने, ठीक है। तो उसके बाद आए डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली ने इस कॉन्फ्लिक्शंस को क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया। उन्होंने कहा कि लाइट एक ऐसा चीज है जो वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब अगर मान लो प्रकाश एक कण है, एक पार्टिकल है, जिसका पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया था फोटोन, आइंस्टाइन ने दिया था फोटोन, ठीक ना, जब उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने कहा कि अब ये पार्टिकल नेचर है और ये पार्टिकल जब लाइट की स्पीड से, मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो जब ये पार्टिकल ट्रेवल करता है बहुत हाई स्पीड से, तो ये अपने साथ क्या कैरी करता है, वेव्स भी कैरी करता है, तो इसलिए वो वेव नेचर को भी शो करता है। तो इसी चीज से डी ब्रॉगली ने फिर एक नए वेव्स के बारे में एक नए वेव्स को इंट्रोड्यूस किया, जिनको उन्होंने नाम दिया मैटर वेव। तो मैटर वेव का जनक कौन है, डी ब्रॉगली, ठीक ना, मैक्सवेल के तरह के और बाकी यांत्रिक तरह के तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव जो है ये दो प्रकार के होते हैं, इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। देखो जो हमारा यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव, इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव, और एक अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। देखो इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, हाँ, ये ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली दोनों क्या है, मैकेनिकल वेव है, मतलब दोनों को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो हमने कुछ वेव्स ऐसे देखे हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे किसकी, एक रस्सी की, ठीक ना, तो इसके पार्टिकल्स कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, पार्टिकल कहां जाते हैं ऊपर, ठीक, वेव कहां प्रोपेगेट होता है, इस डायरेक्शन में, किस तरीके से, इस तरीके से, और हमने वेव को इस तरीके से ही जाना है, ठीक ना। तो अगर ये तरीके रिप्रेजेंटेशन का, तो इसमें हम देखते हैं कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, पार्टिकल कहां जा रहा है ऊपर, वेव कहां मूव कर रहे हैं आगे, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वेव की, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का है।
वैसे ही हमने कुछ ऐसे वेव्स भी देखे जैसे कि स्प्रिंग है, चलो स्प्रिंग बड़ी सी स्प्रिंग लेना और उसमें खींच के उसको छोड़ देना, वो जब इस तरीके से कंप्रेस करता है, इस तरीके से कंप्रेस करता है ना, तो उसका जो पार्टिकल है वो कहां मूव करता है, ऊपर जाता है क्या पार्टिकल ना? नहीं, पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरीके से आगे की तरफ जाता है और वेव्स भी आगे की तरफ जाते हैं। मतलब दूसरा जो तरंगें थी उसमें हमने देखा कि जो पार्टिकल है, जैसे मीडियम को कोई पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा और वेव्स भी हमें इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ दिखेगा। तो यहां पे वेव्स एंड वेव्स का जो डायरेक्शन है और डिस्प्ले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में एंगल कितना है? जीरो डिग्री का। यहां पे कितना है? 90 डिग्री। तो इसी के बेस पे हमने मैकेनिकल वेव्स को हमने क्या करा? क्लासिफाइड किया, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें जिसमें माध्यम का जो कण है वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट वाइब्रेट करता है। तो ये जो वेव्स है जब पढ़ते हैं यार, हमने जिस फॉर्म में वेव्स को जाना है तो ये वाला जो प्रेजेंटेशन है वेव्स का, ये हमारे क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंगे जिसमें वेव प्रोपेगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन, वेव प्रोपेगेशन है पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहे, जैसे स्प्रिंग का बात करते हैं या जैसे हम साउंड की बात करते हैं, तो साउंड में बेसिकली क्या होता है कि जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल इस तरीके से कंपन करता है और साउंड भी आगे की तरफ ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारे पास एक कोई स्पीकर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे एयर का पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट नहीं करता है। एयर का जो पार्टिकल है वो किस तरीके से वाइब्रेट करता है? यहाँ पे एक एयर पार्टिकल है तो वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से वाइब्रेट करता है और साउंड भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो साउंड जो है हमारा वो क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि यहाँ पे वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम है। रस्सी में जो वेव्स जनरेट होता है या वाटर में जो वेव जनरेट होता है उसमें देखोगे पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है और वेव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो ये हमारा वाटर वेव है या किसी भी रस्सी में जो वेव जनरेट होता है वो हमारे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। अरे बस समझे। तो देखो यहाँ पे जो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ना, जैसे एक वेव से ये ठीक ये वेव प्रोपेगेशन है, तो यहां पे देखोगे तो पार्टिकल का ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो पॉइंट है ठीक, इस पॉइंट को हम कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट और ठीक ना, इसको कहते हैं क्रस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। इसको कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ, ट्रफ एंड क्रस्ट एंड ट्रफ ठीक ना, क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में क्या करते हैं? ये ट्रेवल करता है। तो अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में क्या करता है? ट्रेवल करता है ठीक ना। जो हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जैसे अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग में जो वेव्स जनरेट होगा नहीं, तो यहां पे जैसे स्प्रिंग में अगर वेव्स जनरेट होता है तो स्प्रिंग के वेव्स को अगर तुम क्या करोगे, गौर से देखोगे तो कुछ पॉइंट पर स्प्रिंग की जो रिंग्स होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कम डिस्टेंस पर होते हैं, एक दूसरे के पास पास में होते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ठीक है। तो जहां पे ये पास पास होते हैं उसको कहते हैं कंप्रेशन, जहां पे ये दूर दूर होते हैं एक दूसरे से वहां पे कहते हैं रियर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन से रियर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं इसमें संपीड़न और विरलन। यहाँ पे संपीड़न और विरलन,
तो देखो अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के फॉर्म रूप में चलती है और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विलयन के रूप में चलती है। अरे बस ठीक है, तो लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तरंगे हाँ डालते ना तरंग।